जमाना छान मारा दुनिया देखी वाली ना कोई सास ना कोई हमसे खाली खाली हिंदू भाई को राम राम मुसलमान को सलाम है साईं बाबा मेहरबान का दरदार। आपने आपके शहर में ये बड़े बड़े जादू नौटंकी सिनेमा देखा होगा, ये बड़ा बड़ा मदारी आता है लड़की को हम उठाता है बच्चे के कान से चिक्का निकालता है कबूतर का मुर्गी बनाता है, लेकिन अपन भी कोई आलतू फालतू सड़क छाप मदारी नहीं जो खेल दिखाया पैसा कमाया पूछा क्या आज इस मज में इस मदारी का खेल देखना। अगर पसंद ना आए तो खुदा कसम एक खानदानी पैसा ये बंद कर दूंगा, अगर पसंद आए तो सभी दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे बोल शंकर भगवान। पीर फकीर ने कहा है क्या कहा है सांप के बच्चे से कभी प्यार मत करना दुश्मन लाख का है एतबार मत करना। तो लीजिए साहिबान मेहरबान का दर्दन, इसी के साथ खेला शुरू होता है मेरा। जमुने अरे कहां मर गया जमुने, लगता है ऐसे नहीं मानेगा मंत्र फूक के बुलाना पड़ेगा। क्यों साहिबान मेहरबान का दर्दन, अगर आप लोग कहें जैसे माफ कर दिया जाए इतनी देर से बुला रहे थे क्या कर रहा था, अखबार पढ़ रहे थे उस्ताद अखबार पढ़ रहा था, किसी अनपढ़ उंगटे छाप अखबार पढ़ते देखा है नहीं। ये अखबार पढ़ दिया था चली देरा मैं नहीं आया उस्ताद, जब पूछेगा बतलाएगा नहीं बतलाएगा उस्ताद। अबे खा पब्लिक के सामने मेरी बेइज्जती खराब कर दिया है, और जो आपने मेरी की वो क्या। अच्छा बेटा मैंने क्या बोला, आपने मुझे अनपढ़ अंगूठा छाप बोला, तू अनपढ़ नहीं नहीं तू बाबू बाबू तू पंच सरपंच तू मंत्री मंत्री तू पागल चली देरा जो पूछेगा बतलाएगा बताएगा। लीजिए साहिबान मेहरबान का दर्दा मेरा जमूरा आप लोगों को सब चीजें बताएगा लेकिन तीन चीजें नहीं बताएगा। नंबर एक वो सट्टा लॉटरी का नंबर, नंबर दो जमीन जायदाद के फैसले, नंबर तीन दुश्मन का आता पता ठिकाना। अरे तू जल्दी दे रहा सामने दिख रहे हाँ ये वाले चल ताऊ के बारे में बता। वो तो ऐसा मारे तू क्यों परेशान हो रही है, मैं खेलना छोड़ रहा हूँ। अबे खेला छोड़ रहे खाएगा क्या मुझे क्या पता थे? मेरी मौसी खिलाएगी मेरी नहीं खिलाएगी तो आपकी तो खिलाएगी। इधर आ ये बता तू खेला क्यों छोड़ रहा है। बिच्छू ने काटा 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 बिच्छू ने काटा। आप सभी ने हमारी टीम की ओर से राम राम और वोट इंडिया स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के अंतर्गत जितने भी गैर संचारित रोग हैं गैर संक्रामक रोग हैं उनको लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। उसी जागरूकता के लिए आप सभी के सामने पेश है एक नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है बिच्छू ने काटा। तो आइए मिलकर आनंद उठाते हैं जिसका नाटक का नाम है बिच्छू ने काटा। बिच्छू ने काटा बिच्छू ने काटा बिच्छू ने काटा बिच्छू ने काटा। सूर्य उदय हुआ धरती पे प्रकाश पड़ा पर्वत को मेरा नमन पर्वत को मेरा नमन पर्वत को हमारा नमन पर्वत को हमारा नमन। अरे रे 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 क्या हुआ महाराज, अरे रे 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 बिच्छू ने काटा बिच्छू ने काटा मैं क्या करूं, बिच्छू ने काटा बिच्छू ने काटा किसको कहूं, बिच्छू ने काटा बिच्छू ने काटा। हाँ आधुनिक जीवन शैली के बिच्छू ने काटा। महाराज किसने काटा किसको काटा, आप बड़े शरारती हो गए हो, आधुनिक जीवन शैली के नाम पे आपने अपने शरीर को एक प्रयोगशाला बना लिया है। अरे मित्र ऐसी बात नहीं है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ऐसे ही हर बात के दो मतलब होते हैं, एक अच्छी बात एक बुरी बात, कौन सी बात स्वीकारनी चाहिए कौन सी नहीं ये हमें समझ आता ही नहीं है। महाराज आपकी सारी बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही है, मुझे कुछ इस तरीके से समझाइए कि मुझे समझ में आए। अच्छा ठीक है तुझे एक उदाहरण से समझाता हूँ, सामने वाले सोनू के घर चलते हैं तुझे खुद बे खुद समझ आ जाएगा। बिच्छू ने काटा बिच्छू ने काटा बिच्छू ने काटा बिच्छू ने काटा। अबे तू क्यों रो रहा है महाराज, ये रो रही है तो मैं भी रो रहा हूँ। चल चुप कर पागल, ये रो रही है तो मैं रो रहा हूँ। भगवान तुम क्यों रो रही हो, ये दोनों कौन है क्या चेत तुम्हें। अरे भाई साहब हम आरोग्य दूत है तुमसे मिलने आए हैं। ये यंग के दूत है तुम्हें ले जाने आए हैं, कहा था ना अपना व्यवहार अच्छा रखा करो। अच्छा व्यवहार रखा करो क्या बताऊं भाई साहब, सुबह इनकी तंबाकू से शुरू होती है शाम दारू पे खत्म होती है, नशा कर करके अपने जीवन का नष्ट कर लिया है। क्या रे सोनू क्या तुम्हारी पत्नी सही कह रही है। हाँ सुबह तंबाकू के बिना किक नहीं मिलती, किक के बिना पेट साफ नहीं होता, बिना गुटखा खाए काम में मन नहीं लगता, और जब तक सिगरेट का धुआं ना निकालूं तब तक मन को शांति नहीं मिलती, ये सब मेरी आदत है मैं क्या करूं। अरे कोई और आदत है जो तूने छोड़ रखी हो। एक और बात, रात को दारू पिए बिना नींद नहीं आती। अरे सब खराब चीजें हैं, इसे तुम्हारी जान बिछा सकती है। शरीर तो नश्वर है आत्मा आत्मा अमर है। अगर मरने की इतनी जल्दी है तो अभी मर जाओ, कम से कम घर में चार पैसे तो बचे रहेंगे। टेंशन काम की टेंशन, बीवी बच्चों की टेंशन, पैसों की टेंशन,
मनुष्य के जीवन में टेंशन ही टेंशन, अब बंदा करे तो करे क्या।